दोस्तों आचार्यश्री अनिल मोहले सोलापुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं, अरहंत परमेश द्वीप भोगभूमि में जा सकते हैं या नहीं और वहां के जीवों को उपदेश देते हैं या नहीं। तीर्थंकर जो होते हैं वो कर्म भूमि में होते हैं, जहां पर कर्म भूमि चलती है और वहां भी उनका जन्म होता है। जैसे विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि होती है, चतुर्थ काल चलता है, ऐसे ही भरत और एरावत क्षेत्र में जब चतुर्थ काल लगता है तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है, तो वो अपने उस कर्म भूमि के जो स्थान हैं वहाँ ही उनका विचरण होता है, वहीं उनका धर्मोपदेश होता है। भोग भूमियों में अरहंतों का सम्मिश्रण लगता नहीं है और ना ही ऐसा शास्त्रों में कोई प्राप्त हुआ है कि वो भोग भूमि में जाकर के अपना सम्मिश्रण लगाते हों। और सम्मिश्रण में यह भी नहीं आया कि भोग भूमि के जीव सम्मिश्रण में बैठ कर के धर्म का उपदेश सुन रहे हों। अभी तक जो प्राप्त ज्ञान है उससे यही पता चला है कि जो मनुष्य हैं कर्म भूमि के, वो अपना कल्याण करने के लिए भगवान का उपदेश सुनने के लिए सम्मिश्रण आदि में प्रवेश करते हैं। और कर्म भूमि के जो त्रियंश हैं वो त्रियंश भी जो है भव्य जीव हैं, जो भद्र मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, वह भगवान के सम्मिश्रण में उपदेश सुनने जाते हैं, यह ज्ञान प्राप्त है। लेकिन भोग भूमि में उनका सम्मिश्रण जाता हो या भोग भूमि के मनुष्य त्रियंश सम्मिश्रण में उपदेश सुनने आते हों, ऐसा कहीं भी उपदेश प्राप्त नहीं है, अर्थात ऐसा संभव नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री संदीप जैन कनाडा से अपनी शंका रख रहे हैं कि भव्य और अभव्य जीवों को क्या स्वसंवेदन ज्ञान हो सकता है। स्वसंवेदन जो ज्ञान है अर्थात अपनी आत्मा का वेदन, और उसमें भी कौन सा वेदन, पर पदार्थ से रहित होकर के, जैसे एकत्व विभक्त ज्ञान भी कहते हैं। एकत्व विभक्त का मतलब होता है अपने आत्मा में एकत्व और पर पदार्थ से विभक्त जो आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन है, उसे ही स्वसंवेदन ज्ञान कहा गया है। और वह उपयोग जो है वो शुद्ध होता है, वह सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्रधारी मुनिराजों को ही होता है। तो यह निश्चित हो जाता है कि वो अभव्य को तो हो ही नहीं सकता है। अभव्य को वेदन तो हो सुख का, दुख का, भोग उपभोग की सामग्री का, ऐसे पुण्य पाप का, ऐसा वेदन तो हो, लेकिन अपनी आत्मा का जो स्वसंवेदन है, प्रत्यक्ष दर्शन है, प्रत्यक्ष दर्शन मतलब अनुभव है आत्मा का पर पदार्थ से भिन्न, एकत्व आत्मा का जो दर्शन है, अनुभव है, संवेदन है, वो भव्य जीव को हो सकता है, लेकिन समस्त भव्य को नहीं। भव्य में भी जो रत्नात्रय से संपन्न आत्मा है, रत्नात्रय से संपन्न जो आत्माएं होती हैं, वह अपने को शुभ उपयोग से हटा कर के शुद्ध उपयोग की दशा में जा सकती है। और शुद्ध दशा में जा कर के अपने ज्ञान को शुद्ध उपयोग बना सकती हैं। वह शुद्ध उपयोग में साक्षी भाव से पद पदार्थ को देखे, जाने, सुने, लेकिन अपने आत्मज्ञ हो सकता है। अथा भव्य जीव में ही रत्नत्रयधारी जो जीव हैं उनको ही स्वसंवेदन हो सकता है, अभव्य जीव को तो कभी हो ही नहीं सकता है। भव्य में भी जो सम्यक दृष्टि मात्र हैं, जिनको सम्यक चारित्र अभी प्राप्त नहीं है, वो भव्य जीवी स्वसंवेदन का ज्ञान तो कर सकते हैं, लेकिन वेदन नहीं कर सकते हैं। उसका जो वेदन है उनको चारित्र की दशा में ही हो सकता है, अन्य कोई दूसरा और उपाय नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री मनोज जैन पश्चिम बंगाल से अपनी शंका रख रहे हैं कि धातु की प्रतिमा का मंजन किससे करना चाहिए, पीताम्बरी से प्रतिमा का मंजन कर सकते हैं क्या। धातुओं की जो प्रतिमाएँ होती हैं उनका हम जो मंजन करते हैं अर्थात उनकी सफाई करते हैं, वह हमें पीताम्बर आदि धातु से नहीं करना चाहिए। उससे अष्ट धातु की जो प्रतिमा हैं वो खराब हो जाती हैं, उनमें रेशो आ जाते हैं। और भी जो जैसे नींबू आदि हैं उससे भी नहीं करना चाहिए, वो एसिड है, एसिड से भी धातु जो है खराब होती है। यदि आप रीठा का उपयोग करें तो ठीक रहेगा, उसके फैन से आप जो है धातु की प्रतिमाएँ साफ कर सकते हैं। अथवा लौंग का पाउडर आदि बना लें, तो लौंग का यदि पाउडर बन जाता है तो उससे भी जो प्रतिमाएँ जो हैं बिल्कुल साफ हो जाती हैं और जो मैल आदि है वो दूर हो जाता है, उसका बहुत अच्छे से मंजन हो जाता है। इस प्रकार से जो वस्तु उपयोग करने लायक है, जिससे प्रतिमा का संरक्षण भी रहे, उसका संवर्धन भी रहे और उसकी जो है व्यवस्था है वो बनी रहे, इस उद्देश्य से आपको ऐसा वस्तुओं का उपयोग करना है। केमिकल आदि का उपयोग कभी भी ना करें। कुछ लोग केमिकल का भी उपयोग करने लगते हैं, केमिकल जो है वो अशुद्ध होते हैं, तो इसलिए उन अशुद्ध वस्तुओं का प्रतिमा का मार्जन में कभी भी उपयोग हमें करना चाहिए। नवोस्तुवाचार्य श्री बीना जैन रोहिणी सेक्टर 15 से अपनी शंका रख रही हैं, दर्शनावरणी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म दोनों एक ही हैं क्या? इन दोनों का आश्रय कैसे होता है? कर्म की 8 प्रगतियाँ होती हैं, अर्थात कर्म के 8 प्रकार के भेद होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। दूसरे नंबर का जो कर्म है वो दर्शनावरणी है और जो चौथे नंबर का कर्म है वो मोहिनी कर्म है। दोनों कर्म अलग अलग हैं। दर्शनावरणी कर्म के आश्रयों के कारण भिन्न हैं और दर्शन मोहिनी, ये जो है मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। उसमें से दर्शन मोहिनी के आश्रयों के कारण भिन्न हैं। दोनों ही कर्म अलग अलग हैं और दोनों ही कर्म का जो आश्रय है उनके कारण भी भिन्न भिन्न ही हैं। जैसे दर्शनावरणी कर्म के आश्रय को अपन ने 10वें नंबर के सूत्र में 6वें अध्याय में देखा था कि प्रदोष, निहन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात आदि ऐसे कार्य करते हैं तो दर्शनावरणी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। सच्चे ज्ञान पर दोष लगाना, मात्सर्य करना, ज्ञानियों से मात्सर्य करना और ज्ञान में अंतराय डालना, ये सब जो है दर्शनावरणी कर्म के आश्रयों के कारण अपन ने देखे थे। लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म है उसके आश्रयों के कारण भिन्न हैं। क्या है? देव, संघ, गुरु, धर्म आदि, इन सब का अवर्णवाद करने पर दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। देव का अवर्णवाद करो, संघ का अवर्णवाद करो, गुरु का अवर्णवाद करते हैं, धर्म का अवर्णवाद करते हैं, आक्षेप लगाते हैं, मिथ्या कहते हैं, इनको मिथ्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हम ये अवर्णवाद लगाते हैं इससे दर्शन मोहिनी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। हमारे पर पदार्थ में एकत्वपना, ममत्वपना, कर्तापना, भोक्तापना ऐसे जो परिणाम होते हैं इससे भी दर्शना मोहिनी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। तो मिथ्या बुद्धि, मिथ्या विचार, भ्रम बुद्धि, इससे जो सोच है इससे भी दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता रहता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि दर्शनावरणी कर्म के आश्रयों के बिल्कुल भिन्न कारण हैं, अलग हैं, और जो दर्शनावरणी कर्म और दर्शन मोहिनी इन 2 प्रगतियों के कारण बिल्कुल भिन्न हैं और कार्य भी बिल्कुल भिन्न हैं। दर्शनावरणी कर्म का उदय जो है हमारे आत्मा के दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता है पूर्ण रूप से, और जो दर्शन मोहिनी कर्म का जो उदय होता है वो हमारी आत्मा में सच्ची श्रद्धा प्रकट नहीं होने देता है, जिससे हम वस्तु स्वरूप को जान सकें, अपनी अनादि की भटकन को दूर कर सकें। ऐसा कर्म का यह निमित्त बनता है। इस प्रकार से दोनों के कारण भी भिन्न हैं और इनके आश्रय के कारण भिन्न हैं और उदय होने पर इनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। बंधु सातर जय जैन, आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।